लगातार आजकल आप हर एक विभागों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की कदर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं बताना चाहूँगा कि ये जो मसला है एक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। वहीं बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग के लिए जो बच्चों के लिए जो हॉस्टल बनाया जाता है वहाँ अन्य विभागों के कर्मचारियों को ठहरने की पूरी व्यवस्था दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ का सच्चाई और यहाँ का हकीकत कह रहा है। और अभी इस धरातल में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये प्री मैट्रिक बालक छात्रावास रघुनाथ नगर का ये नज़ारा है, और आप साफ तौर पे देख रहे होंगे ये मेरे पीछे जो अधीक्षक कक्ष है, और मैं थोड़ी सी चलते चलते शायद दिखाने का प्रयास करूँ। यह देखिए, यह जो कक्ष है यहाँ किस तरीके से पूरी फाइल पड़ी हुई है, टेबल कुर्सी लगा हुआ है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पटवारी और नायब तहसीलदार का जो है कि जमावड़ा यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी या फिर जिले के जो आला अधिकारी हैं इनके कानों तक या फिर अभी तक शायद आवाज़ नहीं पहुँच पाई है, या फिर जो आला अधिकारी हैं क्या वो इनको संरक्षण दे के रखे हैं या फिर यहाँ के नेता, ये तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन वहीं बताना चाहूँगा, बड़ी दिलचस्प बातें होगी कि ऐसे मुद्दे होने के बावजूद भी अब लगातार जो आला अधिकारी हैं शायद अपनी कमीशन लेकर इन अधिकारियों को संरक्षण दे के इस तरीके से हॉस्टल में रुकने का पूरी व्यवस्था दे जाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि पूरी आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये सामने ये नल भी है, शायद इसी में इनका पूरी पानी उनी की जो भी व्यवस्था होगी हो सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन वहीं मैं बताना चाहूँगा कि क्या यहाँ का नायब तहसीलदार या फिर ये जो पटवारी हैं इनके लिए क्या अलग जगह पर शायद रूम नहीं मिल रहा था, जो कि इस तरीके से इस हॉस्टल में इन्होंने संरक्षण दे रखा है। लेकिन वहीं बताना चाहूँगा कि अभी ललित पटेल बीओ जो हैं जिस तरीके से अभी मेरे को ये जो बातें हैं उसको झूठा कहने का और जो बात कहे हैं, लेकिन अब सवालिया निशान तो खड़ा करता है और लगातार हम ऐसे उजागर करेंगे ऐसे अधिकारियों पर। और अभी थोड़ी देर में शायद मेरी जिला शिक्षा अधिकारी लकड़ा साहब से यदि बातचीत हो जाए तो मैं लगातार इसको अब अवगत कराना चाहूँगा। और मैं अभी यहाँ के जो हॉस्टल अधीक्षक जो मरकाम जी हैं उनसे भी मैं अभी बातचीत किया हूँ, और आज के आज इनको खाली करने का भी आश्वासन दिया। अब लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ के जो हॉस्टल अधीक्षक हैं या फिर अधिकारी हैं क्या इनको खाली कराने में सक्षम हो पाते हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, मैं बातचीत कराने का प्रयास करूँगा। भैया वन मिनट, क्या नाम है आपका? शुभम साहू। कहाँ घर कहाँ? रघुनाथ नगर। रघुनाथ नगर। ये जो सामने आपका जो हॉस्टल है, हॉस्टल में एक नायब तहसीलदार एक पटवारी यहाँ निवास करते हैं, यहीं तो रह रहे हैं अभी अधीक्षक रूप में, हॉस्टल का ही है वो। हाँ, तो क्या यहाँ अधिकारी लोग जांच के लिए नहीं आते हैं? कहाँ कौन आएगा, जब तहसीलदार बगल में है तो अधिकारी कहाँ से आएंगे, मेन तो हमारे यही है तहसील के। ये नहीं देख रहे हैं तो कौन देखेगा। पानी भी आ रहा है, थोड़ा छाए में आ जाए भैया। लगातार मेरे साथ अभी जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ नायब तहसीलदार और जो एक पटवारी ने कितने एक शिक्षा विभाग की लापरवाही, जरा देखिए शिक्षा विभाग को अपने कान के नीचे रखकर इस तरीके से निवास करते हैं, ऐसे अधिकारों का खुलकर विरोध करना चाहूँगा। और ये जो साहू जी हैं, हाँ साहू जी बताएं और क्या प्रक्रिया है ऐसी, क्यों अधिकारी लोग ऐसे लापरवाही बरत रहे हैं? यहाँ सब हमारे नेता लोगों का ही लापरवाही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि कौन खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कोई यहाँ है कि नहीं है। हॉस्टल में तो कोई नाइट में रही भी नहीं करता है, सिर्फ बच्चे लोग बैठेंगे 10-5 लोग अपने। चलिए वो मसला हुआ कि हॉस्टल की बात आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या एक शासकीय हॉस्टल में जहाँ बच्चे और जहाँ एक हॉस्टल अधीक्षक का कमरा है वहाँ एक नायब तहसीलदार एक पटवारी को रहना उचित है? नहीं, ये तो उचित नहीं है, उनकी अलग व्यवस्था दी जानी चाहिए और मिलना भी चाहिए, लेकिन गांव के कोई करने वाला नहीं है, अपने जो नेता मंत्री लोग हैं वो यहीं ला के इनको शिफ्ट करके रख दिए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाडर फंगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ललित पटेल से फोन से बातचीत किया, तो उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया कि मेरे संज्ञान पे नहीं है ऐसी जानकारी है, तो बताया मैं तत्काल हटाऊंगा। तहसील कब से लग रहा है उनको पता नहीं है? उनको पूछो तहसील कब से रघुनाथ नगर लग रहा है, कब से नायब तहसीलदार यहाँ बैठ रहे हैं, उनको आज तक पता नहीं है वो कहाँ रह रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या बताएंगे पब्लिक को, चुतिया बनाने काम कुछ नहीं है उनका। लगातार जिस तरीके से अभी सुन पा रहे होंगे कि ये है जनता, तो अधिकारियों को भी अब समझना होगा कि इस तरीके से अन्य विभाग के जो अधिकारी। सर क्या नाम है आपका? मेरा दशरथ सिंह मरकाम। क्या है आप यहाँ के? अधीक्षक हूँ। अधीक्षक कौन से छात्रावास के अधीक्षक? प्री मैट्रिक बालक छात्रावास रघुनाथ नगर। रघुनाथ नगर। अभी आपके छात्रावास में जो सुनने में आ रहा है कि कुछ अधिकारी लोग भी यहाँ आके निवास कर रहे हैं, क्या कुछ मसला है?
कर रहे हैं सर, लेकिन भाई हमारे तो ठीक था, यहाँ से खाली करवा देते तो। कौन कौन रहते हैं? श्री विनीत कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार, और पटवारी। पटवारी का क्या नाम है? पटवारी रोहित तिर्की। तिर्की कहाँ के पटवारी हैं? ये कमलपुर साइड के हैं। तो किसके कहने पे यहाँ निवास कर रहे हैं? ये मंडल संयोजक के कहने। मंडल संयोजक का क्या नाम है? श्री महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार, तो आप अपना अभी हॉस्टल जो आपके कक्ष में अभी दे दिए हैं अपने, तो आप बैठते कहाँ हैं अभी फिलहाल? वही बच्चे लोगों के, बच्चे लोगों के कमरे पे। कमरे पे। तो इसकी जानकारी जो बीओ हैं या फिर डीओ हैं, इनको है अवगत यहाँ अदर विभाग वाले आगे निवास कर रहे हैं? नहीं है जानकारी। नहीं है। तो आपने एक मंडल संयोजक के कहने पे उनको कमरे दे दिया? जी सर। तो अब क्या उम्मीद रखें, क्या यहाँ रूम उनको खाली कराएंगे या फिर यहीं निवास करने देंगे? खाली कराऊंगा सर। कब तक खाली हो जाएगी? मंडल संयोजक थोड़ा बात हो जाने के बाद। मतलब बिना बात हुए यहाँ से खाली नहीं करा पाएंगे? अब वही हमसे बड़े अधिकारी हैं ना। ठीक।